guys, welcome back to our channel. My name is Anjali and my name is Sumit and you are watching our channel Canada All In Sharmas. तो हम वापस आ गए हैं और आज हम आप लोगों से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एक्सप्रेस एंट्री की तरफ से आ रहा है. बेसिकली हमारी ऑडियंस जो है, हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, हमारे व्यूअर्स हैं, वो हमें पूछ रहे हैं कि कब हमारा एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉ ऑल प्रोग्राम्स का, जिसको हम FSW आने वाली पूरी वीडियो में रेफर भी करेंगे, वो कब निकलेगा. ये एक क्रिटिकल क्वेश्चन है. इस वीडियो में हम आपसे ये शेयर करने वाले हैं कि कितना टाइम एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉ का प्रिडिक्टेड है नेक्स्ट जो आएगा, और साथ ही में दूसरा क्वेश्चन जो आ रहा है और कैनेडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट पे अपडेटेड है, दैट इज़ कि व्हेन, व्हाट इज़ द प्रिडिक्शन टाइम्स विच हैव बीन अपडेटेड फॉर द एग्जिस्टिंग एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल्स. जिन्होंने अब उनका ITA आ चुका है, एक्सप्रेस एंट्री पूल में उनकी प्रोफाइल्स हैं, उनको कब एक्चुअली में प्रोसेसिंग होगी उनकी फाइल्स, उसके बारे में बात करेंगे. Thousands of people have already applied for Canada because Canada is a dream for most of people. Exactly. And major thing is, as these people, जो सारे लोगों ने apply किया है, वो Canada के भाग हैं. And ये जो Canada के भाग लोग हैं, जिनके school बन भी रहे हैं, उनके भी chances बहुत sleek हो गए हैं draw आने के. Because अभी जो सारे के सौ अभी तक draw अभी तक जो आए हैं, वो या CEC कैंडिडेट्स के लिए हैं या PNP कैटेगरी में आ गए हैं. और जो लोग इन ऑल प्रोग्राम का वेट कर रहे हैं, उनके चांसेस बहुत स्लीक हो गए हैं और अभी पता नहीं है वो कब आएगा. क्योंकि एग्जैक्टली बिकॉज जो लास्ट ड्रॉ आया था वो 23 दिसंबर 2020 में आया था और आज इस बात को 4 महीने हो गए हैं. अब मई एंड अप्रैल इसका ड्रॉ आएगा या नहीं आएगा, ये खुद में एक क्वेश्चन मार्क है. बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये. फिर से हम सब लॉकडाउन में जा चुके हैं. मैक्सिमम प्रोविंसेस लाइक अल्बर्टा, ओंटारियो, जो बड़े बड़े प्रोविंसेस हैं, वो ऑलरेडी लॉकडाउन में जा चुके हैं. कई एरियाज रेड जोन में हैं, कई एरिया ग्रे जोन में हैं. एंड ये डिसीजन गवर्नमेंट ने ही लिया है केसेस के, जो केसेस बढ़ रहे हैं उसको ध्यान में रखें. सो आने वाले ड्रॉप कब आने वाला है, वेबसाइट में कुछ एनालिसिस मेंशन है, वो अंजलि आपको बताएगी. ओके, जैसे सुमित ने कहा कि मेजर प्रोविंसेस लॉकडाउन में जा चुकी हैं. सो इफ़ यू टॉक अबाउट दैट, तो ओंटारियो की बात करें, ओंटारियो ऑलरेडी आधा पहले ही लॉकडाउन में था, यू वुड से. नाउ दे हैव कम अंडर अ एमरजेंसी स्टेट. एमरजेंसी स्टेट अलर्ट इज देयर विच इज़ जस्ट बिलो द कर्फ्यू थिंग. ओंटारियो पूरा हमारे एमरजेंसी स्टेट में है, स्टे एट होम ऑर्डर्स हैं. उसके बाद अल्बर्टा की बात करें, सो दे आर ऑल्सो अंडर वेरी स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस. क्यूबेक में नाइट कर्फ्यू इज़ देयर, समथिंग लाइक अराउंड आफ्टर 8 PM टिल सम टाइम इन द मॉर्निंग देयर इज़ अ कर्फ्यू, सो नोबडी कैन बी आउट. तो गवर्नमेंट ने एक्चुअली, इफ़ यू टॉक अबाउट, ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया है कि लॉकडाउन are connected with the express entry draws which are going to come, yeah. But there is a connection, so I will tell you about it. If you have seen on the website, we will also show you there, last March 2020 mein hamara COVID start hua tha. Us time pe hamara last express entry draw for all programs aaya tha. Uske baad hamara July tak कोई भी ड्रॉ नहीं आया था एक्सप्रेस एंट्री ऑल प्रोग्राम्स का, ओनली CEC और PNP आया था. जब कनाडा ने देखा कि कंडीशंस बेटर हो गई हैं और जुलाई के अराउंड थिंग्स वर गेटिंग बेटर, तब उन्होंने FSW ड्रॉ निकाला था. कुछ टाइम के लिए उन्होंने FSW ड्रॉज 2 महीने के लिए निकाले, देन दे अगेन गॉट द FSW ड्रॉज अराउंड जनवरी एंड दिसंबर. सो बीच में गैप था, राइट? So the reason was, उन्होंने अपना numbers, the yearly numbers which they were targeting for immigration, they wanted to complete by end of year. That is the reason उन्होंने FSWs draw निकाले. जैसे ही उनके numbers complete हुए, they stopped the draws. ये जो हमने a small study करी है, and
उससे हमारी प्रेडिक्शन कहती है कि जून एंड जुलाई से पहले कोई ड्रॉ नहीं आने वाला, बट वी होप सो, वी प्रे दैट कि ये प्रेडिक्शन हमारी गलत हो, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि प्रेडिक्शन हमारी गलत हो और ड्रॉ जल्दी से जल्दी आए, क्योंकि आई हैव सीन मेनी पीपल, वो बहुत डिसअपॉइंटेड हैं, लोगों की एज होती जा रही है और दे आर लूजिंग पॉइंट ऑन एज, दे आर लूजिंग पॉइंट्स, दिस डिसहार्टनिंग, क्योंकि हम भी सेम कैटेगरी से आए हैं, FSW से आए हैं, सो वी वॉन्ट दैट पीपल शुड ऑल्सो बी एबल टू कम एंड दे कैन अचीव देयर ड्रीम्स. अब हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की, जो कि दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल्स, जो कि जिनका ऑलरेडी ITA आ चुका है और फाइल्स प्रोसेसिंग में है, उनको कितना टाइम लग रहा है, क्या चेंजेस हुए हैं प्रोसेसिंग टाइम में, और उनको वो गोल्डन ईमेल और जो कहेंगे कि वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डेज फॉर दोज पीपल, वो मेल कब रिसीव होगा कि या दे आर अप्रूव फॉर PR, उसके बारे में बात करेंगे. ओके, तो लेटेस्ट अपडेट आई है प्रोसेसिंग टाइम को लेके, जो गवर्नमेंट वेबसाइट पे है, विच केम ऑन 6th April 2021, उसके हिसाब से दे आर गोइंग टू प्रोसेस एन एप्लीकेशंस जो उनको आई हैं 24th मई से लेके 30th मई के बीच में, वो प्रोसेसिंग करना स्टार्ट करेंगे. वो भी पिछले साल की. हाँ, वो भी पिछले साल की, एंड वो भी सिर्फ CEC कैंडिडेट्स के लिए. एग्जैक्टली, क्योंकि वेबसाइट पे CEC कैंडिडेट्स का लिखा है, सो वी आर नॉट श्योर कि ये सेम प्रोसेसिंग टाइम दे आर गोइंग टू फॉलो अप फॉर द PNP कैटेगरी एज वेल एंड फॉर द ऑल प्रोग्राम्स विच इज FSW कैटेगरी. सो वी डोंट नो, एवरीथिंग इज गोइंग वेरी अनप्रेडिक्टेबल, एंड बिकॉज ऑफ कोविड द सेकेंड वेव हैव कम, थर्ड वेव हैव कम, एज वी हैव मेंशनड, एवरीथिंग इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल. जो प्रोसेसिंग टाइम ऑलरेडी पहले लगता था एक्सप्रेस एंट्री एप्लीकेशंस को फॉर ऑल द प्रोग्राम्स, वो 6 months का टाइम था. इवन वी रिसीव आर PR आई थिंक इन 6 months, राइट सुमित? बट थिंग्स वर डिफरेंट देन, देर वॉज नो कोविड दैट टाइम. तो अब जो टाइम लग रहा है ऑन एवरेज, दैट इज 10 months, दैट इट कैन गो इवन मोर देन दैट. आपको 10 महीने से ज़्यादा लग सकते हैं, साल से ऊपर लग सकता है, अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है तो भी ये चीज़ें बढ़ सकती है, लेकिन आप 10 से 11 महीने तो लेके चलो अगर आपका स्कोर आ चुका है, ITA रिसीव हो चुकी है पूरी एप्लीकेशन प्रोसेसिंग में. एंड इसलिए हम कहते हैं कि गाइस, अगर आप कोई भी चीज़ प्लान कर रहे हैं रिगार्डिंग एनी PNP और रिगार्डिंग एनी FSW, आप हर चीज़ को प्रॉपरली प्लान करके चलिए, डॉक्यूमेंट्स पहले से रेडी रखिए, कि जो उन्होंने टाइम दिया हुआ है ओवरऑल टाइम, उसको पूरा यूटिलाइज मत कीजिए, कि आपकी उसको एकदम से आप एप्लीकेशन को क्लोज करने की कोशिश कीजिए, कि आप वो टाइम भी एटलीस्ट अपनी तरफ से सेव कर सके. एग्जैक्टली. एंड गाइज, आई ऑलवेज से दैट डोंट लूज होप, ऑलवेज बी पॉजिटिव. एग्जैक्टली. एंड थोड़ा लेट होगा, मगर ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, आएगा, टाइम लगेगा. और तो हम दो पॉइंट्स आपसे कंक्लूड करते हैं. पहला, कि प्रोसेसिंग टाइम ऑन एवरेज बढ़ चुका है, इट्स मोर देन 10 months, यू कैन टेक इट इजीली फॉर अ 1 year ऑन द सेफर साइड. और नेक्स्ट पॉइंट ये कि एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉ फॉर ऑल प्रोग्राम्स, इट इज़ एक्सपेक्टेड टू कम अराउंड, आई वुड से जून जुलाई, अगर नहीं भी आता तो वी एक्सपेक्ट कि आ जाए. हम चाहते हैं कि हमारी प्रेडिक्शन रॉन्ग हो. And exactly, this is all what we have predicted. It's not any confirmation. Exactly, it is based on our experience. Experience and couple of data which we have shared, you can go and check on government website also. हम हरदम कहते हैं, please follow कीजिए government website को for the right and correct updates and information. अगर हमारी video आपको पसंद आई हो और इससे आपको कोई value मिली हो, तो please इस video को आप like कीजिए, share कीजिए. एंड आप कमेंट्स कर सकते हैं, अपनी क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, विल ट्राई टू आंसर यू. एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल टू, क्योंकि और साथ ही में आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आप कौन सा नया टॉपिक देखना चाहते हैं, आप हमसे क्या इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, वी विल ट्राई टू मेक वीडियो ऑन दैट टॉपिक. साथ ही में प्लीज फॉलो अस ऑन आवर इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेज, वी आर एक्टिव देयर, यू कैन पिंग अस, यू कैन मैसेज अस, वी विल ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेरीज ओवर देयर. एंड प्लीज गाइस सब्सक्राइब आवर चैनल, ये हमें एक मोटिवेशन देता है कि हम आपके लिए और इन्फॉर्मेशन ला सके, और as much as we can help you guys. Exactly. Till then, stay tuned and be happy and bye-bye.